हजरत इमाम हसन खुतबा देने लगे मिंबर पे, कहने लगे मैं हसन बिन मुहम्मद हूं। कौन हूं? एक बंदा भी नहीं कहता तुम तो हसन बिन अली हो। तान के सीना, मैं हसन बिन मुहम्मद हूं, मैं बशीर और नजीर का बेटा हूं। कोई एक तो कहता पुत्र अली दा नाम नबी दा, पर कौन इकरार करे जलील हो के मरे। ए अजे गोदी विच आए ने ते मदनी करम फरमाए ने, जदों चाय आए उदो ही फरमाया है हाजा इबनी इबनी हाजा सैयदुन, ए मेरा पुत्र सरदारे। इतनी अकल तो हम सब में है। सरदार, मेयर, एमपीए, एमएनए, चौधरी, खाजे, राजे, जितनी मनसब मिलते हैं, वजीर आजम फलां फलां, कुछ बंदा करता है वोट शोट लेता है तब जाके बनता है। लेकिन ये जो हैं ये आए हैं बने बनाए आए, अभी भी नहीं समझे। जितने नवाब सरदार, नवाब जादे सरदार, ये सरदार एक मरता है फिर दूसरा बनता है। जब मर जाता है सरदारी खत्म, मैयत पड़ी है, फिर क्या है? मैयत पड़ी है, सरदारी खत्म हो गई। वो साल की थी, वो दो साल की थी, लेकिन ये वाहिद घराना है। पैदा हुए तब भी सरदार, मां की गोद में थे तब भी सरदार, मौला अली की उंगली पकड़ के चले तब भी सरदार, नबी के दोष के सवार तब भी सरदार। अगर आए हजरत उस्मान गनी की फौज के अंदर मुजाहिद बन के फिर भी सरदार, अगर आए हजरत उमर के सामने पकड़ा हाथ का, उमर मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतर। 26 लाख मुरब्बा मील का हाकिम उमर, रेत को चिट्ठियां लिखे प्रैक्टिकली जवाब आए। अमेरिका का बाप भी ख्वाब नहीं देख सकता कि रेत को कोई चिट्ठी लिखे, वो ट्रंप का बाप भी आ जाए, जो बाइडन का नाना अब्बा, 70 पुश्तें इकट्ठी कर लो, सारी सुपर पावर्स इकट्ठी करो, इन्हें कहो एक चिट लिखो कि दरिया सूख गया है, उसे कहो ओ रेत बदल रीत, ओ पानी निकल बदल शकल। दिमाग खराब है। जलजला आए, जापान इतना तो बताएगा कि प्लेट खिसक गई, लेकिन आया जलजला ओ कनाडा के परली किनारे से लेकर इंडोनेशिया के परले किनारे तक, 14 सदियों में हमने नहीं सुना कोई आया हो जिसने कोड़ा लहराया हो और जलजले को कहा हो थम, यहीं पे जम, उतार छड़ांगा नहीं ते तेरा चम। ये कौन कर सकता है काम? ये उमर है। ये कौन है? ये उमर कही, वो जो है ना मिस्टर गांधी, कुफर की आंधी, उसने 1930 में अपनी यूथ को खुतबा देते हुए कहा, जगाते हुए कहा, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ उमर, अगर तुम अपने लिए तरक्की की राह चाहते हो तो आइडियल मॉडल उमर को बनाओ। इतना ताकतवर आदमी जिसके नाम से दो सुपर पावर लर्जबर अंदाम, जिसके घोड़ों की टापू ने दो सुपर पावर को रोंद के रख दिया, जिसके 600 फौजियों ने दरियाए दजला की छाती पे पांव धरा तो दरियाए दजला से मौजें छीन ली। नहीं समझ आई? हम जो दरिया में उतरे तो दरिया उतर गया। इतना पावरफुल आदमी, साढ़े भी जरनैल तके जे तके दे जरनैल, सुभान अल्लाह। उधर भी गौर फरमाए, उमर बैठे हैं मदीने में लेकिन हुकूमत चल रही है कायनात के सीने में। और फिर जब उतरे ना वो दरियाए दजला, गर्मी का मौसम, दरियाए दजला की खूनी लहर ऊपर
मुंह खोल खोल के डबो रही है। लेकिन हजरत साद ने कहा है कोई जो उतरे? उन्होंने कहा बस हाथ में हाथ मिलाओ और कूद जाओ। कहां 70,000 का सुपर पावर का सामने लश्कर, कहां 600 तीर तुकले लेके। अल्लामा इकबाल यहां कहते रहे दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इतना पावरफुल आदमी बैठा है मिंबर पे, मिंबर भी मस्जिद नबवी का, ते बंदा जेड़ा बिठा छड़ो ना भावें उधार दी भी सीट होवे। शोदे हमजा साहब नू कुकड़ी कुकड़ी कर दे रहे ने, वो भावें कुकड़ी सी ते भावें कुकड़ सी ते भावें जो भी भला सी, वो जदों दो चार दिन बैठा है वो भी तकड़ा हो गया सी। नाराज ना होना साड़ा पार्टी किसे नाल, वैसे मैं बता रहा मतलब है जितना कोई कमजोर समझो, शहबाज शरीफ दा हाल भी ते वेदे पाए हो, बस सानू रगड़ा लई आंदा है, साढ़े उत्ते करम फरमाई आंदा है, हर रोज नवा टैक्स चढ़ाई आंदा है। हुण पहले आदे सन आया महंगाई मुकावण, हुण पता लगे आए सन मुल्क मुकावण, ते सारे मुल्क नू खावण, हुण असां भी आंदे पया गावण। अल्लाह सईयां ए किसे दरियाए च जावण ते वापस कदे ना आवण। उमर फारूक मिंबर पे एक पावरफुल आदमी जहां कोई पर न मार सके। हजरत उमर ने खुद कहा था, कहा जब जवान था 10 बकरियां नहीं चरा सकता था, बूढ़ा हो गया हूं मेरे आर्डर के बगैर कोई चमन में बुलबुल चहक नहीं सकता, कोई फूल महक नहीं सकता, कोई परिंदा फजा में पर मार नहीं सकता। मैं बूढ़ा हूं लेकिन मेरी ताकत इतनी है। किसी ने कहा ये कैसे मिली? कहा तेरी दोस्ती से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे इश्क ने बनाया मेरी जिंदगी फसाना। जब तक बिखे न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद के अनमोल। बल्कि वावी कहानियां मैं तेरे नाम उतू, नहीं ते कौन कमीनी नू जानदा सी, मेरे गल पट्टा तेरे नाम वाला तेरे नाम नू जग सुजानदा सी। तेरा नाम लेके लंग पार वैसा मैनू आसरा तेरी शान दासी, लगा जो भाग कमीनी नू है दर, सारा फैज महबूबे सुभान दासी। इतनी ताकत वाले उमर, अरे एक बच्चा उम्र में कच्चा, ओ इतना सच्चा लड़खड़ाता आया, आके उसने अपना मासूम गुलाब की तरह नाजुक रेशमी हाथ एक मजबूत बांह में कलाई पे डाला, डाल के झटका दे के फरमाया उतर मेरे बाबा के मिंबर से। तसव्वुर करो, तसव्वुर, इतनी बड़ी हस्तियां मदीने में बसतियां, जहां उमर खतीब होंगे मुक्तदी भी तो फिर वैसे ही होंगे। मैं निकम्मा आया, किबलाकारी साहब ने करम फरमाया, पीर साहब ने, हजरत साहब ने, मेरे भाई ने, मेरे उलमा ने, आपने सब ने, हालांकि मैं गरीब सा आदमी हूं, मुफलिस आदमी हूं, मुझे यहां बिठाया गया, मेरे सामने ये टेबल रखा गया, मेरे गले में हार डाला गया, मुझे भी संभाला गया। लेकिन जब एक मामूली से बंदे का ये किसी के नाम से वकार जो है उमर जर्रार, उसके बाजू को पकड़ के एक बच्चे ने बरसरे मिंबर बरसरे तख्त झटका दे के कहा क्या,
अन मिंबरे अभी मेरे अब्बे दे मिंबर तू थल्ले ले। बंदा कुर्सी ते बैठा होवे ते चंगे बल्ले चौधरी नू पाया जांदा, भावे बाद दे विच कख ना रहे कमेटी आले चुक के चौके च खड़ा कर जुल्लो खतीब साहब एदे सिरात अल मुस्तकीम। सुभान अल्लाह। लेकिन जदों तीकर मिंबर ते बैठे उस वेले तक इन्हां नू ए रगड़ा सारिया नू ला छड़नगे, बाद च भावे फक्का ना रहे। मिंबर ते कमजोर बंदा भी तकड़ा है, कुर्सी दे विच बड़ी ताकत है। लेकिन हजरत उमर को एक बच्चा कहता है मेरे अब्बे दे मिंबर तू थल्ले ले, अगू फिर रिएक्शन क्या है? बड़े आदमी का रिएक्शन बड़ा होता है, ताकतवर का रिएक्शन ताकत होता है, लेकिन आगे अगर बड़ी ताकत हो तो फिर गर्दन झुकाए बगैर चारा नहीं होता, उसको हाथ मिलाए बगैर गुजारा नहीं होता। उसने खींचा मेरे बाप के उम्बर मिंबर से उतर। ये किताब मेरे सामने है, मामूली किताब नहीं, ये उस बंदे ने लिखी है जिसके जनाजे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 3 मील पैदल चलता रहा। एक जुमला और भी है, कहा मेरे मिंबर से उतर। वाह, तुसी ते जे खैर नाल एक नमाज नहीं पढ़ाई ते मिंबर दे वारिस भी हो गए हो। ना, पर रिएक्शन क्या है वो बताएगा कि माना गया या टाला गया। जब कलाई को पकड़ा, पकड़ के जकड़ा, बच्चा था इतना तकड़ा, इतने बड़े 7.5 फुट कद वाला कामत वाला जनाबे उमर झुकते झुकते उस बच्चे के सीने तक ये सर खम हुआ और उसका वो हाथ पकड़ के अपने सर पे रख के तरला मिन्नत करके मुक के कहा, कहा हमारे बाप का मिंबर कहा। क्या क्या इकरार है, क्या प्यार है, हमारे बाप का मिंबर कहाँ, खताब का मिंबर कहाँ। मिंबर भी तुम्हारा, मस्जिद भी तुम्हारी, काबा भी तुम्हारा, खुदा भी तुम्हारा, हम भी तुम्हारे। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। अगर पाक हुसैन की शान पूछनी है या सिद्दीक से पूछो, या उमर से पूछो, या उस्मान की नजर से पूछो, या खुद पाक हैदर से। सर पे हाथ रख के कहा, अब ये लफ्ज अजीब है, सब किताबों में अल्फाज बदले हैं लेकिन मफहूम एक ही है। हजरत उमर ने कहा ये जो मिंबर तो मिंबर, बड़ाई तो बड़ाई, ये तो है ही नहीं ना। कहा ये जो उमर के सर पे बाल हैं, ये भी तुम्हारा कमाल है, क्योंकि माना उनका ये है ये जो बाल आए हुए हैं ये तुम्हारे उगाए हुए हैं। जब ये बाल तुम्हारे करम से तो सब कुछ है तुम्हारे दम से। हम भी तुम्हारे, मिंबर भी तुम्हारा, क्या है हमारा, कुछ नहीं मेरा, मेरे घर में सब तेरा है तेरा, मेरे घर में। अब सोच क्या है हुसैन इनकी नजर में।